हरियाणा भारत के समृद्ध राज्यों में से एक है। हरियाणा न केवल कृषि बल्कि अपनी अनूठी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। हरियाणा राज्य में मेलों का अपना अलग ही महत्व है, जिसमें सूरजकुंड मेला विश्वविख्यात है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष फरवरी माह में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित सूरजकुंड मेला एक पारंपरिक शिल्प त्यौहार है। इस मेले की खास विशेषता है कि दर्शक विभिन्न देशी और विदेशी हस्तशिल्पों व कलाकृतियों को खरीद सकते हैं। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 1 फरवरी 2020 को किया। प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर और उज्बेकिस्तान दूतावास के राजदूत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2020 के उद्घाटन समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। यह मेला भारत के लोगों के कला कौशल, प्रतिभा और उद्यमशीलता के प्रदर्शन का एक स्थापित मंच बन गया है। मैं देश के विभिन्न राज्यों और विदेश से आए सभी शिल्पकारों और कलाकारों को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि 1987 में इस मेले का पहली बार आयोजन किया गया था। मेले का आयोजन विलुप्त हो रहे हस्तशिल्प और हथकरघा की विशेष कला विधाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा कारीगरों को उनके काम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उचित मंच प्रदान करने के लिए किया जाता रहा है। सूरजकुंड का ऐतिहासिक स्थल वसंत ऋतु की ये मोहक मेला है और इसी अवसर पर 34वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज ये शुभारंभ है। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, इनकी गरिमामय उपस्थिति, ऐसे सुंदर संयोग में कलाकारों की सुंदर संकल्पनाएं, उनसे सुसज्जित कलाकृतियां, इनसे भरपूर 34वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला सबकी रौनक देखते ही बन रही है। माननीय राष्ट्रीय महोदय, मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता, हरियाणा सरकार और अपनी ओर से आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सभी गणमान्यों सहित देश विदेश से आए कारीगरों, दस्तकारों, कलाकारों, उनका सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस वर्ष मेले का थीम स्टेट देवभूमि हिमाचल प्रदेश है तथा अंतर्राष्ट्रीय सहभागी राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। अब की बार हिमाचल प्रदेश को यहाँ आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश में मैं आप सबको निमंत्रण भी देता हूँ, आप आइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल छोटा सा प्रदेश है लेकिन छोटा प्रदेश होने के बावजूद मैं कह सकता हूँ कि बहुत सुंदर प्रदेश है। हिमाचल कोई आता है, आने के बाद जाने का मन नहीं करता है। ये हिमाचल की खासियत है, जो वहाँ की संस्कृति है, यहाँ वहाँ की ये वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का जो है आकर्षण है। अभी भी हम इस बात को कह सकते हैं, देश के जितने भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों में बहुत सारी चीज़ों में हिमाचल बहुत बेहतरीन काम करता है, बेहतरीन परिस्थिति में है। Uzbekistan and India enjoy centuries old friendship and civilizational ties. We have common history, culture, traditions. Our people-to-people contacts have been active for a long time. Even before the Great Silk Road, there was an ancient Indian road which connected our peoples and cities. Today, we are marking and celebrating another important milestone of our friendship and cultural dialogue. We are happy and proud to be a partner nation for the Surajkund Mela 2020.
उद्घाटन समारोह में उज्बेकिस्तान के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस बार मेले में 40 देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें नेशनल व स्टेट अवार्ड हस्तशिल्पी शामिल हुए। उज्बेकिस्तान पार्टनर नेशन के रूप में शामिल हुआ। उज्बेकिस्तान से आए शिल्पियों ने विविधतापूर्ण व मनमोहक शिल्प उत्पादों से सजे स्टॉल लगाए। शिल्प उत्पादों में घरेलू उपयोग के समान विभिन्न परिधान, सजावट व सौंदर्य उत्पाद शामिल थे। उज्बेकिस्तान के शिल्पियों ने अपने विचार साझा करने के साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी गहरी रुचि भी दिखाई। दिस इज पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान इन इंडिया कमिंग हियर फेस्टिवल वेरी नाइस फेस्टिवल सूरज कुंडला हैंडक्राफ्ट दिस इज शी इज आई एम एम्ब्रॉयडरी मास्टर इंडियन पीपल कमिंग हियर दिस माय शॉप very nice, beautiful, and selling dresses and fabric. I like this is festival. Good morning, I am coming in Uzbekistan. This is years and India, Uzbekistan partner country. I am selling handbags and baggies and selling dresses. Suzani, very nice festival. I like Suraj Kund Mela. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी मेरा दिल प्यासा मेरा दिल अकेला जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा। सूरज कुंड मेले में प्रत्येक वर्ष किसी एक राज्य को थीम राज्य बनाया जाता है और उसकी कला, संस्कृति, सामाजिक परिवेश और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश इस वर्ष थीम राज्य है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने अपने शिल्प और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया। यहाँ की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, पूरा जैसे सजा हुआ है हिमाचल का, इन्होंने दर्शाया हुआ है तो सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और एंजॉय कर रहे हैं। तेरे हिकड़ू है गड़बड़ होई बलो चंबे घाटिया चढ़ दिया जो तेरे हिकड़ू है बड़ होई बलो चंबे घाटिया चढ़ दिया जो फिर बड़ा
पुट परवलो बाबो न जाई करी लड़ी पिया छोटा देर पुट परवलो बाबो न जाई करी लड़ी पिया बड़ होई बलो चम्बे गटिया चढ़ दिया जो तेरे कड़ू है बड़ होई बलो चम्बे गाटी। मेले में पारंपरिक नृत्यों कला व व्यंजनों का मनोरम दृश्य दर्शकों का आकर्षण का केंद्र रहा। मेले में अनेक राज्यों के खास व्यंजनों का स्वाद भी लिया जा सकता है। मेला परिसर में चौपाल पर देशी विदेशी लोक कलाकार अपनी अनूठी प्रस्तुतियों से समा बांधते हैं। हम लोग हर बार यहाँ पे प्रोग्राम जो होता है सेंटर में तो उसका वेट करते हैं। दैट स्टार्ट्स एट 6 PM अराउंड चौपाल वाला, सो दैट इज़ वेरी गुड एवरी टाइम। हमारी थीम है हरियाणवी घूमर डांस, जिसमें हम 8 लड़कियां होंगी डांस की और अपने हरियाणा का सारा कल्चर, उसमें जो मस्ती होती है और हमारा सॉन्ग कुछ इस हिसाब से होगा कि मेरा दामर सुना समा दे चुनर मंगा दे। हम अपने जो हमारा हस्बैंड होता है जिसको हम बटेऊ बोलते हैं अपने हरियाणवी लैंग्वेज में, हम उसको डिमांड करते हैं कि भाई हमें दामट चाहिए, अब चुन्नी चाहिए, अब हार चाहिए, तागड़ी चाहिए। तो हम अपने इस डांस के थ्रू हम बता उसको बोलते हैं कि हमें ये ला दो, हमें वो ला दो, और सारी डिमांड हम उस सॉन्ग में और उस डांस से निकालते हैं, सारी मस्ती अपनी उस डांस से निकालते हैं। हम हिमाचल से आए हैं और हम यहाँ पे अपना लोक नृत्य झमाकर प्रस्तुत करने वाले हैं। हिमाचल जैसे आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुंदर प्रदेश है। आप वहाँ पर आए, आप सब वहाँ पर आए, वहाँ की पर्यटन और सब कुछ बहुत सुंदर है। Thank you.
दर्शकों के लिए आपना घर मेले का एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें हरियाणवी समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों को दर्शाया गया है। सूरजकुंड के अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 34वें क्राफ्ट मेले में ये हरियाणवी संस्कृति का अपना घर है और इसको हमने हरियाणवी संस्कृति की दृष्टि से इसको सजाया है और इसमें हरियाणा की अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। हरियाणा का सैकड़ों वर्षों का इतिहास यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत की जितनी रियासत थी उन सब के बाट उनका मेजरमेंट जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पर दिखाया है। इसके साथ ही एक पानी की घड़ी होती थी, एक घड़ी 22.5 मिनट की है तो वो भी हमने यहाँ पर दिखाई है। इसके अलावा जो खेती बाड़ी के पुराने औजार होते थे जिसमें जुआ है, टमटम है या दूसरी जो चीज़ें हैं वो हमने दिखाई हैं और इसके साथ ही जो डोल थे कुएं के जो पानी निकालने का काम करते थे वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। हरियाणा में रेजा कैसे बनता था, उसको लोग कैसे रंगते थे, उसकी ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती थी और इसके साथ ही जो पुराने ताले हैं वो भी हमने यहाँ पर दिखाए हैं। हमने लोहे की कढ़ाई है, जैसे तवा है, चिमटा है, फूकनी है, पलटा है, सूरज के मेले में हमने लगा रखा है। हमारी सेल बहुत अच्छी हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है मेला भी और हम यहाँ पर 2-3 बार आ चुके हैं और जैसे भी है हम बहुत अच्छे हैं। सूरज कुंड का जो मेला है कि हमारा पलटा है, चिमटा है, फूकनी है, तवा है, ये हमें विदेशी लोग खरीद के ले जाते हैं और सेल हमारी अच्छी हो रही है। सूरज कुंड मेले में उक्के का स्टॉल लगा हुआ है, उक्का जो है भाईचारे का प्रतीक है और खूब बिकता है। कितने साल से लगा मैं इस मेले में तीन साल से लगातार स्टॉल लगा रहा हूँ। सूरजकुंड मेले में अच्छा अनुभव मिला, देखने को बहुत देशों के लोग भी देखने को मिले, बहुत सामान इसके अंदर आया है, साथ में मेरे मुख्य का मन ने भी अपना स्टॉल लगाया है, मेरी भी खूब अच्छी बिक्री हो रही है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं मेरे स्टॉल पर, दूसरे विदेशी भी आ रहे हैं देख रहे हैं। ये खान पान का भी खूब यहाँ पर दुबाड़ा की जलेबी है और अच्छे खान व्यंजन भी है खाने पीने के लिए टूरिस्टों के लिए और जी हर बहुत सामान दूसरे विदेशी का सामान आया है सेल के लिए। ट्रैफिक ताऊ की राम राम। सूरजकुंड मेला के अंदर आइए, ये सूरजकुंड मेला है हमारे यहाँ फरीदाबाद के अंदर लगा हुआ है जो कि 40 देशों के आदमी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा सूरजकुंड मेला है, जिसने सूरजकुंड मेला नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पर जरूर आइए, जल्दबाजी ना करिए, आइए जरूर, साथ में ट्रैफिक नियमों की पालना करिए। यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी आदमी आए हुए हैं, आप अपने बच्चों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए और हमारे हरियाणा के अंदर हर जिले से यहाँ पर बस आती है, आप बस स्टैंड से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा सूरजकुंड मेला है यहाँ पर। बड़ी यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू है, यहाँ पर तरह तरह के यहाँ व्यंजन है, यहाँ पर किसी चीज़ की सुविधाएँ नहीं है, प्लस क्वालिटी यहाँ पर पूरी है, नाच गाना यहाँ पर बहुत अच्छा है, संस्कृति हमारी यहाँ पर दिखती है। ट्रैफिक ताऊ की तरफ से निवेदन है, आप सूरजकुंड मेला देखने जरूर आइए, जिसने सूरजकुंड मेला नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। और सूरजकुंड मेले के अंदर मेरा एक ट्रैफिक ताऊ का रोल है, भाई बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, धुंध ज़्यादा हो तो थोड़ा लेट निकलिए और अपने सामान्य गति से आइए, जल्दबाजी ना करिए और ट्रैफिक नियमों की पालना आप जरूर करनी है। मेले के युवाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न थीमों पर आधारित सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। सूरजकुंड मेले में विभिन्न राज्यों के कला, संस्कृति और संगीत को देखकर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला में लघु भारत का दर्शन हो जाता है। मेला में काफ़ी चीज़ें न्यू हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, पर्ल्स की शॉप्स देखी हमने एंड मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि हमें दिल्ली के लोकल मार्केट में नहीं मिलती है। सो वी जस्ट स्टार्टेड हैविंग फन, मे बी इट विल बी मोर फन नाउ। थैंक यू। मैं हर समय मेला देखने आती हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं मेला देखने आई हूँ और मेरे मम्मा पापा मुझे हमेशा देखने ले आते हैं और आज मैंने ये पेपर फिर भी बाय करा। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आकर के, हर साल हम लोग यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है यहाँ गवर्नमेंट ने और देख करके खुशी होती है। थैंक यू। हाँ जी, बहुत सुंदर सजावट है, इंडिया की एक एक चीज़ देखने को मिल रही है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत शॉपिंग करी है और अभी बहुत सारी करनी बाकी है।
बहुत कलरफुल सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और हिमाचल का इतना बड़ा पवेलियन पहले कभी नहीं देखा, इस साल पहली बार ऐसा देखा है। यह मेला विदेशी हस्तशिल्प कलाकारों के लिए भी एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराता है। Government कैसे दिखे थे? They have picked up from the airport and taken us to the hotel, hotel to this place, and then they'll drop back to the airport. And there's no charges for our staying over here, and there's no charges for the stalls, and it's a wonderful service by the department over here. Suraj Kund Mela ji एक different kind का platform है जो कि जो artisans हैं जो हाथ का काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी encouragement है। और जिस तरीके से ये लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं एंड जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं देख रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स उनको वर्ल्ड वाइड जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी उनको आके मिल रहे हैं जो कि जनरली यहाँ मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। सुरेश कुंड मेला खूब भालो मेला ठीक है से एखाने लोग खूब भालो एवं हमारे सेलो खूब भालो है एखाने खूब भालो बेचा किना है से जो प्रति बस आस दस बस एखे आसते আমাদের বাংলাদেশের ঢাকায় জামদানি ঢাকায় কাতান মিরপুরের বেনারসি তারপর কটন ব্রাইটিস অনেক শাড়ি নিয়ে আসি আমরা খুব ভালো বেচা কিনা হয় এখানে এই মেলাটা অনেক বড় খুব সুন্দর দেখার মতো অনেক কিছু আছে এখানে নানান দেশ থেকে এখানে লোক আসে খুব ভালো ই হয় এখানে দিনভর মেলে মে চহল পহল কা মাহল বনা রহতা হ্যায় জেসে জেসে সূরজ ঢলতা জাতা হ্যায় वैसे वैसे मेले का आकर्षण और बढ़ता चला जाता है। अंधेरे में मेले का स्वरूप और भी जीवंत हो जाता है। हल्की टिमटिमाती रोशनियाँ मेले की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं जो बड़ा ही मनोरम व आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है।